अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम, ममता के भतीजे के घर, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, ममता के भतीजे के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची है यहां पर, और समन देने पहुंची है। बताया ये जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त, अभी ये चूंकि खबर आ रही है, डेवलपिंग न्यूज है, आपको हम और जानकारी देंगे इसके बाबत। लेकिन आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी को समन देने के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची है। हालांकि ममता पहले भी आरोप लगाती रही है कि चाहे सीबीआई हो, जितने भी सरकारी तंत्र है, बीजेपी उसका दुरुपयोग कर रही है इस चुनाव में, और जो कुछ भी हो रहा है वो मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुनीश, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई कोलकाता की एक टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर है और वहां पर उनको एक समन की कॉपी देनी है। समन जो है उन्हें किया जा रहा है कोल स्मगलिंग केस में पूछताछ करने के लिए, क्योंकि चुनाव के पहले हो रहा है, इसलिए जो समय जिस समय ये समन दिया जा रहा है उसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ही लगातार कई तरीके के आरोप लगा रहे थे। सीबीआई का ये कहना है कि कोल स्मगलिंग मामले में जब मामले की जांच कर रही थी, कई लोगों से पूछताछ की गई, उस वक्त अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया, और चूंकि वो रिश्ते में ममता बनर्जी के नेफ्यू लगते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक सवाल भी इस पर जरूर खड़े होंगे। लेकिन सीबीआई का कहना है कि पूछताछ में उनका नाम आने के बाद में अब उन्हें समन कॉपी दी जा रही है, और अगर समन वो स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए भी आना पड़ेगा। बता दीजिए, पूरा का पूरा मामला जो है वो कोल स्मगलिंग को लेकर है, जिसमें पहले भी सीबीआई ने कई जगह छापेमारी की है, गिरफ्तारी की है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि ममता बनर्जी के सबसे खास जो शख्स हैं, अभिषेक बनर्जी, जो उनके रिश्ते में नेफ्यू लगते हैं, उन्हें अब सीबीआई ने समन करने के लिए उनके घर पर पहुंची है और अब उनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई तैयार है। और आपको बता दें, इस बीच लगातार खुद टीएमसी के बड़े बड़े नेता और दिग्गज नेता जो अभी पार्टी छोड़ छोड़कर बीजेपी गए हैं, उनका ये भी कहना है कि ये दरअसल बुआ और भतीजे की पार्टी बन के रह गई थी पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए उनका ये पार्टी छोड़ने के पीछे ये बड़ा रीजन रहा है। और इस बीच अब ये बड़ी खबर आ रही है, ममता के भतीजे के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। मुनीश, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो खबरें आई थी सूत्रों के हवाले से, कि पहले हालांकि ममता ये कहती रही है कि इस वक्त सरकारी तंत्र का बीजेपी जो है वो दुरुपयोग कर रही है, पहले अभिषेक के करीबी जो थे, पहले उनके मित्र को पकड़ा गया और अब अभिषेक तक पहुंची है सीबीआई की टीम। जी देखिए श्वेता, अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं तो अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते हैं विनय मिश्रा, जो कि टीएमसी के युवा नेता हैं। सबसे पहले उनके घर पर छापेमारी होती है विनय मिश्रा के घर पे, और उसके बाद में सीबीआई उनको समन करती है, लेकिन आज तक उन्हें सीबीआई ने फरार घोषित किया हुआ है। उनके खिलाफ में एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि विनय मिश्रा के जरिए जो सीबीआई और ईडी दोनों जो जांच एजेंसियां हैं वो अभिषेक बनर्जी के बनर्जी तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन लगातार जो बीजेपी है वो सवाल खड़े कर रही थी कि जिस तरह से जो धांधली हो रही है, जिस तरह से करप्शन है, उसमें कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये कथित तौर पे आरोप लगाया था बीजेपी ने, और अब कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी दोनों इस पर जांच कर रही थी, और अब सीबीआई उनके घर पर पहुंची है उन्हें समन की कॉपी देने के लिए। टीएमसी लगातार ये सवाल खड़े करती रही है कि सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स। बिल्कुल मुनीश, आएंगे आपके पास। अनुपम मिश्रा हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़ रहे हैं। अनुपम, आप वहीं रहते हैं, आप उस ग्राउंड को जानते हैं, आप उस मिट्टी और उस मानुष को भी जानते हैं जिसकी राजनीति करती रही है ममता बनर्जी। आप ये बताइए कि ये जो पूरा मामला चल रहा है टीएमसी, जाहिर सी बात है ममता बनर्जी सीधे कह रही है कि चाहे अभिषेक की अब बात हो या फिर उनके करीबी उनके मित्र की बात हो, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और बदले की राजनीति कर रही है। आज की खबर क्या है और इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है अनुपम?
जी देखिए श्वेता, पिछले कई दिनों से ही ये आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है और अमित शाह या जेपी नड्डा जब से चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, तो उन्होंने लगातार अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला है और कोयला तस्करी में उनका नाम इनडायरेक्टली बार बार लिया गया है। और इससे पहले जो लाला जिसका नाम आ रहा है, अनूप मांझी जो किंग पिन माना जाता है इस कोयला तस्करी का, उसका नाम अमित शाह ने लिया, जेपी नड्डा ने लिया, और विनय मिश्र जिसकी बात अभी अभी हो रही थी, विनय मिश्र फरार चल रहे हैं और उनका नाम भी इस कोयला तस्करी में आ रहा है, जो आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। और जब भी कोई जनसभा हो रही है, जो भ्रष्टाचार का मसला है, मुद्दा है, वो तो उठ रहा है। इसके अलावा जो नेता आए हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या राजीव बनर्जी हो, जब से उन्होंने बीजेपी में कदम रखा है, तब से जब वो भाषण दे रहे हैं, वो भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। तो ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि आज नहीं तो कल अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले भी कई बार सूचना मिली कि अभिषेक बनर्जी को हो सकता है पूछताछ के लिए बुलाया जाए, तो ये उसी की एक कड़ी में है। और आपको बता दें कि इसके विपरीत ममता बनर्जी लगातार आरोप लगाती आ रही हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और खासतौर पर इलेक्शन से पहले बीजेपी इन सरकारी एजेंसियों को अपने माध्यम से चला रही है, ये आरोप लगातार लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा और मुनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।